पंक्ति क्या कहती है, तब तब प्रभु धरी कभी धर्म के ऊपर नहीं होती। धर्मशील व्यक्ति शांत रहता है और अधर्मी व्यक्ति उत्पाती होता है। घर में दुए उत्पाती होते हैं, पूरे घर को परेशान करे रहते हैं, उत्पात करते हैं। भगवान भागवतों के लिए आते हैं, असुरों को मारते हैं, देव स्थापन करते हैं। असुर मार थापहि सुरन राखहि निज श्रुति, जो वेद पथ उन्होंने निर्णय दिया है उसके पुल की रक्षा करते हैं। भगवान का यह स्वरूप है। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया पालक है। असुरों को मारकर देव स्थापन करते हैं, अपने द्वारा स्थापित मर्यादा के पुल की रक्षा करते हैं। राखहि निज श्रुति, जगत में यश का विस्तार करते हैं, यही राम जन्म का हेतु। भगवान भोलेनाथ ने बाबा लिखते हैं कि परमात्मा के अवतरण के 5 कारण बताए। ध्यान से दर्शन करिए। पहले कारण में जय विजय को सनकातिक गणों का शाप लगा। 3 जन्म असुर शरीर धारण किए भगवान ने, कृष्णावतार में सदगति प्रदान की। दूसरे में जालंधर नामक असुर था, वृंदा सती उसकी पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके देवताओं को जय कर लिया। भगवान विष्णु ने शील भंग किया उसका,
भगवान शिव ने अंत किया। जालंधर रावण हुआ, भगवान कश्यप अतिथि जी के पुत्र राम स्वरूप में आकर उसको सदगति प्रदान किए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। एक बार बाबा कहते देवी नारद जी ने श्राप दे दिया, नारद श्राप दीन एक बारा कलप एक तही लगी अवतार। मां चकित हुई, नारद जी विष्णु भक्त हैं, ज्ञानी हैं, वो भगवान को क्यों श्राप देंगे। बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, जेहि जब रघुपति करहि तस सो तस तेहि चल हो। कोई नहीं, भगवान जब जिसको जैसा करते हैं उस क्षण वैसे ही हो जाता है। कई बार हम नहीं चाहते ये हो लेकिन हो जाता है, सोचते हैं कुछ हो कुछ जाता है।